हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एसएससी एमटीएस 2019 के ज्वाइनिंग में ओबीसी कैंडिडेट जिनको प्रोविजनल मिला था उनको दिक्कत आ रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो दिल्ली वाला था उन्होंने कैंडिडेट को बुलाया कि आप बैक डेट का ओबीसी सबमिट कीजिए। उसमें मैंने बताया था कि उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जाइए कोर्ट से एफिडेविट कराकर सीओ से एनसीएल आप इस बात को प्रमाणित करवाइए कि आप क्रूशियल डेट के पहले एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते थे। तो इस बात को लेकर काफ़ी सारे लोग आर्गू करने लगे कि ये फेक न्यूज़ है, इस तरह का होता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 100% जेन्युइन और सही न्यूज़ है, ठीक है। इसमें लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट जिनको पेंडिंग मिल रहा है वे काफ़ी घबरा गए हैं, उनको लग रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पिछले बार में भी जो 2017 और 18 के एमटीएस के कैंडिडेट के साथ भी ऐसा हुआ था, दिक्कत हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग आपका नहीं रुकेगा, आपको समय लगेगा, आपको बोला जाएगा कि कोर्ट से एफिडेविट करवा कर ले आइए या किसी अधिकारी से स्टाम्प पर ये लिखवा कर लाइए। डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कुछ डिपार्टमेंट जो है ओबीसी लेकर एकदम नॉर्मल है, मतलब आप जाइएगा तो कि आपको नया ओबीसी सबमिट कीजिए और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, इस तरह का भी देखने को मिल रहा है। अब ये सेम कंडीशन एसएससी सीजीएल 2018 में भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ तक मेरा टच है कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि ओबीसी को लेकर उन्होंने भी बोला है कि आपको क्रूशियल डेट के पहले आपको प्रमाणित करना होगा, आप कोर्ट से एफिडेविट करवा कर ले आइए या किसी अधिकारी से इस बात को प्रमाणित करवा कर लाइए कि आप एनसीएल जो क्रूशियल डेट के पहले नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो देखिए इसमें जहाँ तक मेरा जो 2019 के पहले जो भी कैंडिडेट थे जिनको ज्वाइनिंग हुआ 2017-18 उनका कहना है कि आप अपने रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार से एक पैड पर लिखवा लीजिए कि आप इस दिनांक के पहले नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, आते थे, और उसके बाद उसी स्टाम्प पेपर पर आप सीओ का साइन मोहर एसडीओ का साइन मोहर ले जाकर सबमिट करेंगे तो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए तो आपको पता है कि आप तो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपने एग्जाम क्वालिफाई करके यहां तक पहुंचा है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल होगी, इस तरह के मन में डाउट मत लेकर आइए और ना ही टेंशन में रहिए, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जिनके साथ इस तरह की घटना घट गई है वो प्रोविजनल हैं, उनको पेंडिंग में दिया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि और लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी मिल सके। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हमको और भी अपडेट मिलेगा मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और यदि आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन हो जो सही हो, देखिए सुने सुनाई इन्फॉर्मेशन पर नहीं, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो, आप हमको बता भी सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।